सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हमें हमारे जिंदगी में हर छोटी से छोटी कठिनाई कुछ सिखा ही जाती है। यदि आप सफलता हासिल करना चाहते हैं तो बहाना बनाना छोड़ दें। तुम कभी लोगों के सोच को अपने प्रति नहीं बदल सकते, इसलिए अपनी जिंदगी को मजे से जिए। आज का पंचांग 5 मार्च 2022 दिन शनिवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि, रात्रि 8:36 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रेवती नामक नक्षत्र रात्रि 2:29 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्विनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:43 से 11:11 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:15 से 1:01 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर रात्रि 2:29 तक रहेगी। इसके उपरांत मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे। मेष राशि 5 मार्च 2022 दिन शनिवार, आर्थिक हानि अभी आपके दिमाग पर हावी हो सकती है। किसी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए आपके ध्यान की जरूरत है। जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें, विचार करें और मूल्यांकन में वक्त बिताएं। कुछ खाली समय निकालकर मन की शांति पाना अभी सर्वश्रेष्ठ है। आप आज दयालु और भावनात्मक महसूस कर सकते हैं। निर्णय लेने के लिए आज के समय शुभ नहीं है। अपने सहज ज्ञान पर भरोसा और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। गाड़ी ध्यान से चलाएं और ऐसा कुछ भी ना करें जिससे आपको और आपके प्रियजनों का नुकसान हो। जीवन सबको दूसरा मौका अवश्य देता है जिसे कल कहा जाता है। ग्रह स्थिति अनुकूल बनी हुई है। घर में कोई मांगलिक कार्य संबंधित योजना बनेगी। वित्तीय संबंधित मामलों पर अपना विशेष ध्यान केंद्रित रखें। नजदीकी मित्रों तथा रिश्तेदारों के साथ गेट टूगेदर और कुछ नरम समय व्यतीत भी होगा। तय किए गए लक्ष्यों पर काम शुरू करें। इसके लिए जीवन शैली में बदलाव लाना आवश्यक होगा। हर एक काम को डिसिप्लिन के साथ करने की जरूरत है और जितनी भी कठिनाइयां आए आपको प्रयत्नों में सतर्कता रखनी होगी। फिलहाल का समय आपकी परीक्षा लेने वाला हो सकता है। काम से संबंधित बदलाव करना आपके लिए आवश्यक होगा। रिलेशनशिप संबंधित कन्फ्यूजन बढ़ सकता है। पेट दर्द की तकलीफ भी बढ़ सकती है। सावधानियां, घर परिवार की व्यवस्था पर भी ध्यान देना जरूरी है। किसी भी अनजान व्यक्ति पर अधिक विश्वास ना करें, न ही उनकी बातों में आए क्योंकि आपको नुकसान हो सकता है। खर्चों पर काबू रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक व्यवस्था सुखद और शांतिपूर्ण बनी रहेगी। प्रेम संबंधों से दूर ही रहे तो उचित है। यह समय परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए नहीं योजना बनाने का है। साथ ही लीव इन पार्टनर के साथ नोकझोंक की संभावना है, लेकिन अपने स्टाइल और प्यारी बातों से आप सब कुछ ठीक कर देंगे। कानूनी समझौतों के लिए अभी वक्त उचित नहीं है। आज आप भावुक और विचलित हैं। खुद पर भरोसा रखें और महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अपनी अंतरात्मा की सुनें। आज आप अपनी दिनचर्या से ऊब सकते हैं। ऐसे में अपने साथी के साथ कुछ समय बिताएं। अपने जीवन साथी से सलाह लें और मन हल्का करें। प्यार एक ऐसा मरहम है जो हर जख्म को भर देता है। बात करते हैं करियर की। आज आप अपने कार्य को पूरा करने के लिए पूरी जान लगा देंगे। कोई महत्वपूर्ण बैठक या मुलाकात आपके दिन को और भी सुनहरा बना सकती है। अचानक मिले समय का प्रयोग आप अपने कार्य के विकास में करेंगे। याद रखें जिसका ज्ञान पूर्ण है सफलता उसका साथ देती है।
अच्छा, आपका दया भाव और भावनाएं आप पर हावी हो सकती है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना ले और विश्वसनीय लोगों से सलाह ले सकती हैं। आज गाड़ी धीरे चलाएं और नशे से बचें। याद रखें कि बड़े जोखिम या भारी नुकसान पूरी योजना पर पानी फेर सकता है। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कभी कभी आपकी विचलन मानसिक स्थिति का नकारात्मक प्रभाव आपकी कार्य क्षमता पर पड़ सकता है। पैर दर्द की तकलीफ भी बढ़ सकती है। आज का उपाय, अनाथों को भोजन करवाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।